सर्वप्रथम विष्णुपाद विष्णुपाद आज विशेष स्थिति है, जैसा कि हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन तीन जनों को राधा जी का निज जन कहा है, उन तीन जनों में, साढ़े तीन जनों में श्री दामोदर गोस्वामी, श्री रामानंद राय, श्री मायावती और माधवी जी, साढ़े तीन जन बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही किए तीन राधा जी के निज जन हैं। स्वयं कृष्ण है और कृष्ण जब राधा जी के भावों का आस्वादन करना चाहते हैं, राधा जी से उन्होंने कहा कि हे राधे, मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करना चाहता हूँ, भाव और अंग कांति लेकर के जगत में आए। तो राधा जी ने कहा, मानो कि तुमसे अकेले भावों का आस्वादन होगा कैसे, कुछ पता तो होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, किताब पढ़ करके कोई इंजीनियर बन सकता है बिना टीचर के? नहीं बन सकता, उसके लिए टीचर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जब कृष्ण राधा जी के भावों का आस्वादन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए राधा जी ने कहा कि आप मेरी दो सखियाँ हैं, ललिता और विशाखा, इनको साथ लेकर के जाइए, इनकी सहायता से आप इन भावों का आस्वादन करें। तो इसलिए जो राधा जी के जो सखियाँ हैं, श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी, वो कौन है? उनकी कायव्यू स्वरूपा हैं, राधा जी के ही अपने कायव्यू हैं और राधा जी के भावों को जानने वाली हैं। इसलिए राधा जी के कब किस प्रकार के भाव उदित होते हैं, किस अवस्था में कैसी चीज़ उनको वो लोग सुनाते, आस्वादन कराते, वो सब बातें श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही बताया करते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी प्रभु जी बता रहे थे, संचार रामाभिद स्व भक्ति सिद्धांत चयामृतानी, ये जो श्लोक बताया, इसमें बताया कि पहले महाप्रभु रत्नाकर नहीं है, अर्थात जल तो समुद्र से ही निकलता है, जो सूर्य जल को सोखता है वो तो समुद्र का ही जल है, लेकिन पहले समुद्र रत्नाकर नहीं है। उसी प्रकार से महाप्रभु कृष्ण है, कृष्ण को सारा तत्व सिद्धांत पता है, किंतु अभी रत्नाकर नहीं है। रत्नाकर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अनुभव नहीं है उनको। वो अनुभव किसको है? श्रीमती राधा रानी को है, और जो राधा जी के साथ में ललिता विशाखा सखियां हैं वो सब बातें जानती हैं। इसलिए अनुभूति संपन्न होने के लिए महाप्रभु श्री रामानंद राय के पास में गए और वहाँ पर जाकर के रामानंद जी से जब उन्होंने कहा कि साध्य और साधन का निर्णय करो, तब वही जो अनुभूति है वो उनको तब जाकर के प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ पर बताया रत्नालयताम प्रयाति, कि वो रत्नाकर हो गए, अब उनको अनुभूति हो गई, और फिर अभी अनुभूति की बातें ही सुनी उन्होंने, फिर अनुभूति को साक्षात रूप से ग्रहण करने के लिए उन्होंने श्री रामानंद राय को कहा कि दो चार दस पाँच दिन में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तो तुम्हारे साथ सारे जीवन ही रहना है, इसलिए अब आप इस नौकरी को छोड़ो और नौकरी को छोड़ करके हम दोनों पुरी में ही रहेंगे और नित्य संग करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिन भावों का आस्वादन करने के लिए जगत में आए थे, रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनते थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से गीत सुनते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी गीत गा करके, गीत गोविंद का, विद्यापति चंडीदास इत्यादि के पदों का और कृष्ण कर्णामृत का, इन सब ग्रंथों का स्वरूप दामोदर गोस्वामी गान करते थे और श्री रामानंद राय वो कृष्ण कथा कीर्तन करते थे। इन दोनों को लेकर ही महाप्रभु राधा जी के गूढ़ अति गूढ़ भावों का आस्वादन करते थे। तो उसी प्रसंग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के पास में गए थे, कल भी हमने बताया था काफ़ी सारी चीज़ें, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम साध्य और साधन का निर्णय करके बताओ। उसमें प्यार आता है
प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। साध्य और साधन का निर्णय करके बताओ। तो रामानंद राय ने बिल्कुल क्लास वन से प्रारंभ किया। हम लोग पढ़ाई करते क्लास वन से लेकर के फिर ऊपर धीरे 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 जा। तो उन्होंने कहा स्वधर्म आचरण ये इससे विष्णु भक्ति हो जाती है। और उसमें महाप्रभु ने एक और विशेष बात रामानंद राय से कही कि तुम जो कुछ भी बोलोगे उसका शास्त्र का प्रमाण भी तुमको देना पड़ेगा। श्लोक बढ़िया। इसलिए क्योंकि जगत के लोग कहेंगे अपने मन से बोल रहे हैं, इसलिए साध्य और साधन महाप्रभु जगत के लिए प्रकाशित करना चाहते हैं। और जगत के लोगों को क्या चाहिए? प्रमाणिक वस्तु चाहिए। तो प्रमाण कैसे होगा? कि जब शास्त्र का उदाहरण दिया जाए। इसलिए यहाँ पर श्री रामानंद राय जी ने उदाहरण दिया, वर्णाश्रम आचार वृता पुरुषेण परभुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्व कारण। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से रामानंद जी ने उत्तर दिया। यद्यपि विस्तार तो बहुत है किंतु हम लोग संक्षेप में ही श्रवण करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। महाप्रभु ने इसको बाय कहा। महाप्रभु कहे एव बाय, आगे कहा राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सा। प्रभु ने इसको बाय क्यों बोला? क्योंकि ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसमें स्वरूप श्रद्धा भक्ति का अभाव है। स्वरूप श्रद्धा भक्ति क्या होती है? अनुकूलन कृष्णानुशीलनम। एक बार इसको सही सही सुना है तो सही सुन जिंदगी भर के लिए एक नोट रह जाएगा। कहीं अगर कथा जाकर सुना तो बात उसको देखकर कर सुना सकता। अब ये कुछ टपी गिनता है ना और उसको मणि जैसे कर किसी संप्रदाय में इतने सूक्ष्म विचार कहीं नहीं किया। किसी संप्रदाय में इतना सूक्ष्म विचार किसी कहीं किसी ग्रंथ तुम ढूंढ लो इसको कथा आपको नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेगा ये सूक्ष्म विचार। इसलिए सब नोट करनी चाहिए भागवत को, नोट करनी चाहिए उसको के लिए। भागवत का भागवत। तो रामानंद राय ने जब ये बोला तो महाप्रभु ने इसको बाय कहा। बाय क्यों कहा? क्योंकि इसमें स्वरूप सिद्धा भक्ति का अभाव है। केवल वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से विष्णु संतुष्ट होते। इसमें क्या बताया? विष्णु संतुष्ट होते हैं किंतु इससे भक्ति हो जाएगी वो ऐसा नहीं। इसलिए महाप्रभु ने इसको बाय कह दिया। तब उन्होंने कहा कि प्रभु कहे एव बाय, आगे कहा तब उन्होंने कहा कृष्ण कर्म अर्पण साध्य साध, कृष्ण के लिए कर्म अर्पण कर देना। इसमें फिर उन्होंने श्लोक बताया यत करोसि यद अश्नासी यज्जो होसि ददासि यत तपस्या से कौनते तत् कुरुष मद अर्पण। कि जो कुछ भी तुम करते हो, यत करोसि यद अश्नासी जो कुछ भी तुम खाते हो, यज्ञ होसी जो हवन करते हो, ददात यत जो कुछ दान करते हो, यत तपस्या से कौनते जो कुछ तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पण कर दो। अब इसमें जो है ये पूरा न तो भक्ति है न कर्म, ये बीच की अवस्था होती है। और ऊपर से इसमें कर्म भी पूरा नहीं, क्योंकि कर्म कहने से वैदिक कर्म होता है। वैदिक कर्म होते हैं यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि वैदिक कर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी करते हो अर्थात सोना बैठना उठना चलना ये भी तो है, जो कुछ भी करते हो उसमें ये आ गया। जो खाते हो, खाना कोई कर्म नहीं होता है, वैदिक कर्म नहीं है खाना। तो इस प्रकार से ये पूरा कर्म भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया ये इसको महाप्रभु ने फिर इसको भी बाह्य कह दिया। क्योंकि ये जो कर्म अर्पण है इससे भी क्या होगा, ये पूर्ण रूप से ये भी इसमें पूर्ण कर्म भी नहीं है। और फिर कर्म अर्पण करने के पश्चात में इससे विष्णु कैसे संतुष्ट होते, भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि भगवान के लिए बताया भक्त्या संजातया भक्त्या, यहाँ पर इसलिए इसको बाय बताया भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति से ही भक्ति होती है, कर्म अर्पण करने से कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए महाप्रभु ने इसको बाय कह दिया। फिर कहा आगे किचू कहा तो उन्होंने कहा स्वधर्म त्याग यही साध्य। स्वधर्म त्याग में श्री रामानंद राय जी ने फिर उदाहरण दिया सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासु। कि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। महाप्रभु ने कहा एव बाह्य, यहाँ ये बात विशेष है। कल भी हमने थोड़ा इसके विषय में बताया था, आज भी पुनः बता रहे हैं। क्योंकि गीता का जो ये श्लोक है
जगत के अधिकांश व्यक्ति इसको सर्वोत्तम मानते हैं। ये गीता का सर्वोत्तम श्लोक है, और गीता तो वैसे ही शास्त्रों में सर्वोत्तम मानते हैं। जो गौड़ी संप्रदाय के नहीं है, अन्य अन्य संप्रदाय के हैं, उनके लिए तो गीता ही सर्वोत्तम है। उनको भी भागवत की महिमा और चैतन्य चरितामृत की महिमा तो पता नहीं है। गीता सर्वोत्तम है, गीता में भी ये श्लोक सर्वोत्तम है। और महाप्रभु का जो शिक्षा है उसकी देखो इसी से महिमा पता चल जाती है कि जो सर्वोत्तम ज्ञान है जगत के लिए महाप्रभु तो एहो भाए। महाप्रभु की शिक्षाओं का क्या वैशिष्ट है इसी से पता चल जाता है कि जहां तुम्हारी पहुंच है उसको तो महाप्रभु ने कहा ये तो बाहर ही है, अभी ये तो अभी भक्ति जगत में प्रवेश भी नहीं हुआ। तो यहां विशेष विचार है कि इसको बाह्य क्यों कहा। तो वहां पर बताया कि जो स्व सर्वधर्मान प्रत्यय है उसमें क्या बात है कि भगवान को गारंटी देनी पड़ रही है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि मैं कोई व्यापार नहीं करता, ये तो उसी प्रकार की बात होगी कि तुम मेरी शरण में आओगे, भगवान गारंटी दे रहे हैं मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। पहली बात तो ये, इसलिए इसको बाहेगा, क्योंकि भक्ति क्या होती, भक्ति नैसर्गिक स्वाभाविक की आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है, इष्टे स्वारस्य की राघव, किंतु इसमें तो स्वाभाविक कुछ है ही नहीं, भगवान को बोलना पड़ रहा है कि तुम मेरी भक्ति करो। दूसरी बात, भक्ति का मतलब होता है सेवा, भज धातु से बनाया। इस श्लोक में कहीं भी सेवा की बात ही नहीं है, केवल भगवान ने ये कह दिया कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। सेवा की तो कोई बात ही नहीं, और जहां सेवा ही नहीं है वहां पर भक्ति कहां है। इसलिए जो संसार के लिए जो सर्वोत्तम विद्या है महाप्रभु ने उसको बाह्य कह दिया। फिर उसके पश्चात में महाप्रभु ने जब इसको बाह्य कहा, प्रभु कहे एव बाह्य, आगे कहा राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य साध, तब उन्होंने कहा कि ज्ञान मिश्रा भक्ति जो है वो साध्य है। और उसमें श्लोक बताया, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। इसमें तीन प्रकार का ज्ञान होता है, तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान, और जीव ब्रह्म एक ज्ञान। तो यहाँ जो श्लोक रामानंद राय जी कोट कर रहे हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, ये ज्ञानियों की अवस्था की बात है। और समा सर्वेषु भूतेषु, वो सभी प्राणियों में समान भाव रखते हैं। मद भक्ति लभते पराम, किंतु जब भक्तों का संग उनको बाई चांस प्राप्त हो जाता है तो मद भक्ति लभते पराम, वो भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भक्ति नहीं है, भक्ति तो है ही नहीं, अभी तो भक्ति में उनका प्रवेश होगा, वो होगा भी होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कब हो सकता है, जब साधु संघ प्राप्त हो जाए, और साधु संघ तो उनको भी प्राप्त हुआ नहीं, तो किसी को हो भी सकता है किसी को नहीं भी हो सकता है। महाप्रभु ने इसको भी बाह्य कह दिया। दूसरी बात, तत्व ज्ञान से भी भक्ति ढक जाती है, इसलिए इन सब कारणों से महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कहा राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य साध। अब रामानंद राय जी ने एक स्टेप और आगे बताया कि ये जो तीन प्रकार के ज्ञान हैं, तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म एक ज्ञान, इनसे रहित जो भक्ति है वो क्या है, वो साध्य है। और इसमें बड़ा सुंदर श्लोक बताया जो हम सभी लोग पुनः पुनः श्रवण करते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास नमंत एव जीवंत सन्मुखरिताम भवदी वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभैर्य प्रायशो अजित जितो अप्यसि त्रैलोक्य। कि ज्ञान के प्रयास को छोड़कर, यहाँ कौन सा ये जो ज्ञान है, जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान इत्यादि, जिनसे की भक्ति आच्छादित हो जाती है, और उनमें समस्या एक और थी जो ज्ञान मिश्रा भक्ति थी, उसमें सेव्य सेवक भाव है ही नहीं। ज्ञान मिश्रा भक्ति में जो बताया जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान है, उसमें सेव्य सेवक भाव भी नहीं है, और भक्ति में कहाँ से, भक्ति का मतलब ही क्या है, सेव्य सेवक भाव। जो हनुमान जी हैं श्री बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी वर्णन करते हैं, क्या कह रहे हैं, भव गंधा छिदे तस्मयी स्पृहामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। कि हे प्रभु, भाव बंधन का जिसमें छेदन हो जाता है और ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, इस प्रकार की मुक्ति की मैं कामना नहीं करता, क्योंकि उस मुक्ति में भगवान प्रभु आप प्रभु हैं, मैं दास हूँ, इस प्रकार का भाव ही विलुप्त हो जाता है।
तो ज्ञान मिश्रा भक्ति में ये है, सेव्य सेवक भाव नहीं है, इसलिए भी वो भक्ति बाह्य है। अब यहाँ जो ज्ञान शून्य भक्ति बताया, ज्ञान प्रयासम उदपास, ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, साधु संघ में रह करके एक स्थान पर हरि कथा सुनना पड़ेगा। जीवंत सन्मुखरिताम, सन्मुखरिताम साधु संघ में महत्पुरुषों के मुख से हरि कथा सुनने से उससे क्या होगा, प्रायसो अपनी जीतो अप्यसित रहस्य। इस प्रकार से जो भजन करेगा, तन मन वचन से भगवान की सेवा करेगा, उससे क्या होगा, अजीत भगवान जो समस्त लोगों में क्या है, अजय है, वो भी जीत लिए जाते हैं। जब यहाँ पर बताया तो इसमें सेव्य सेवक भाव आ गया, जहाँ से सेवक भाव आ गया, सेव्य सेवक भाव, वहीं से प्रभु ने कहा हाँ ये हो है, हाँ ये कुछ कुछ भक्ति है, ये ठीक है। इसलिए कुछ आगे हो तो बताओ, तब महाप्रभु ने कहा, प्रभु का ए हो है, आगे कह यार, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब उन्होंने बताया प्रेम भक्ति, जब लोग सब जानते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, जो प्रेम भक्ति होती है तब क्या करते हैं, कृष्ण को उसका आस्वादन होता है, साक्षात रूप में कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है। प्रेम अवस्था में, भाव अवस्था में भी साक्षात रूप में कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हुई, किंतु प्रेम अवस्था में कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त हो जाती है और कृष्ण उसका आस्वादन करते हैं। इसलिए फिर उन्होंने उससे श्रेष्ठ जो ज्ञान शून्य भक्ति है, उससे श्रेष्ठ क्या बताया, प्रेम भक्ति। यहाँ से आगे अब जो बताएंगे वो जो भक्ति है वो सब क्या है, सिद्ध परिक्रम वाली भक्ति। और उसके पश्चात में फिर उन्होंने बताया, ये सब भी बताया कि किस प्रकार से ये भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रेम भक्ति के लिए भी महाप्रभु को, महाप्रभु ने कहा एहो है, आगे कहा तो उन्होंने कहा फिर दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। दास्य प्रेम जो है वो सभी साध्य सार है। अब यहाँ पर जो हम लोग फिर जानते हैं शांत रस दास्य रस सख्य रस, शांत रस में केवल मात्र क्या होता है, निष्ठा होती है, शांत रस में निष्ठा होती है, किंतु दास्य रस में ममत्व भी जुड़ गया, जो ममता भी आ गई। ममता का मतलब है वहीं से सेवा प्रारंभ मानी जाती है। यद्यपि शांत रस के भक्त हैं वो भी सेवा इत्यादि करते हैं, वर्णन आता है, क्योंकि हमने एक कथा श्रवण किया, उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि क्या शांत रस के जो भक्त होते हैं वो हरि कथा नहीं करते, तो वो सेवा नहीं है, हरि कथा करना सेवा नहीं है क्या? चतुसेन इत्यादि को शांत रस का भक्त माना जाता है, लोग कहते हैं शांत रस के भक्त शांत रस में सेवा नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। शांत रस के भक्त मंदिर मार्जन नहीं करते क्या? वो खाली बैठ करके गुफा में बैठ करके ध्यान करते रहते हैं? भक्त की बात है यहाँ पर, जो भक्त होगा तो वो सेवा करेगा ही करेगा, तो सेवा तो होती है, किंतु उसको सेवा माना क्यों नहीं जाता, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि सेवा कही जाती है जहाँ पर ममत्व होता है, जैसे एक माँ है वो अपने पुत्र की सेवा करती है, क्यों, वो मेरा पुत्र है, तो जहाँ से ममता प्रारंभ होती है वहीं से सेवा को सेवा माना जाता है। इसलिए दास्य रस से कहा जाता है कि यहाँ से सेवा प्रारंभ होती है, और शांत रस में भावों का आदान प्रदान नहीं, दास रस से भावों का फिर आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए फिर इससे जो श्रेष्ठ रस बताया जो प्रेम भक्ति से, उससे उन्होंने फिर बताया दास से, जहाँ से ममता प्रारंभ हो जाती है। फिर दास में भी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं, जैसे ऐश्वर्य भाव के दास हैं और फिर ब्रज के दास हैं, उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं है, उनमें अलग अलग भक्तों में क्या है, कुछ वात्सल्य इत्यादि भी मिश्रित है, सख्य और वात्सल्य भी मिश्रित है। उसका जो विस्तार से वर्णन है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने दिया, कितने प्रकार के दास होते हैं। एक पुर के ब्रज, द्वारकापुरी के भी दास हैं, अयोध्या के दास हैं, द्वारकापुरी के दास हैं, फिर ब्रज के दास हैं, ब्रज के दासियों में भी फिर अलग अलग विभाग। फिर प्रभु कहे वो है किचु आगे यार, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो प्रभु ने कहा हाँ ये भी अच्छा है, इससे कुछ आगे है, तब रामानंद राय ने कहा कि इससे श्रेष्ठ है सख्य प्रेम। क्यों? क्योंकि अभी तक भी जो है कुछ संकोच रहता है दासों में, किंतु जो सखा लोग होते हैं उनमें क्या होता है, संभाव आ जाता है, संभाव आने के कारण उनके अंदर में कृष्ण के प्रति भगवान की भगवत बुद्धि इत्यादि नहीं होती। जैसे बताया उवा कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजित, श्रीदामा ने कृष्ण को पराजित कर दिया, अब कहा चलो बड़ो बनो घोड़ा, अब तो कृष्ण को घोड़ा बनना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सख्य भाव है, यहाँ से महाप्रभु ने कहना प्रारंभ किया एहो उत्तम,
यहाँ से उत्तम है, क्योंकि अभी जब तक गौरव बुद्धि है तब तक भी यद्यपि रस तो है वो, किंतु कृष्ण को उतना आनंद नहीं दे पाता। जब पूरा गौरव बुद्धि रहित हो जाता है जहाँ से भक्ति, वहाँ से ही कृष्ण को पूर्ण रूप में आस्वादन होना प्रारंभ होता है। इसलिए महाप्रभु ने इसको उत्तम बताया। एवोक्तम आगे कहा, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य साथ। यद्यपि गुरु जी ने इसकी भी बड़ी बड़ी विशेष बातें बताई हैं जो कि हमारे भी अभी समझ से परे की बातें हैं। गुरु जी ने ये सख्य वात्सल्य और मधुर के अंदर भी बड़ा बताया कि कौन कौन कहाँ कहाँ तक, जैसे हम लोग सुनते हैं भाव प्रेम राग अनुराग है ना, और क्या है, हाँ वो सब भाव माँ बाप, वहाँ तक कौन कौन कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है, गुरु जी ने वो सब भी विस्तार से बताया। सख्य सख्य वाले कहाँ तक जा सकते हैं, वात्सल्य वाले कहाँ तक जा सकते हैं, फिर मधुर रस में कहाँ तक जा सकते हैं, और फिर उसमें भी राधा जी का क्या वैशिष्ट है, वो सब गुरुदेव ने बताया। किंतु अभी वो हमारे समझ से थोड़ा ऊपर की बात है। वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम में क्या बताया कि मैया यशोदा का जो भाव है उनके प्रति क्या बाल्य भाव, बाल्य भाव अर्थात कृष्ण बिल्कुल भी अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक मैं उनको कुछ खिलाऊंगी नहीं, नहलाऊंगी नहीं, जगाऊंगी नहीं, सुलाऊंगी, सब कुछ उनको ही करना है। और उसमें इतनी अधिक ममता है, प्रत्येक ऊपर वाले रस में नीचे वाले रस से भी अधिक ममता और अधिक सेवा है। इसी कारण स्वाभाविक सी बात है कि वो जो कृष्ण है वो अधिक वशीभूत होते हैं। और यहाँ पर रामानंद राय ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे हम लोग श्रवण करते हैं आकाश, आकाश का गुण क्या होता है, शब्द, उसके बाद में आकाश के बाद क्या हुआ, वायु, वायु में आकाश का गुण है शब्द और अपना एक गुण क्या है, स्पर्श, और उसके बाद में अग्नि, अग्नि में आकाश का शब्द है और वायु का स्पर्श है और अपना एक गुण है रूप। इस प्रकार से जो श्री रामानंद राय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो आकाश और पांच महाभूत होते हैं उनमें जैसे एक एक गुण अपने से अधिक होता जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रस विचार में भी ऐसा ही। फिर उसके बाद में वात्सल्य प्रेम को भी यहोत्तम आगे कहा, राय कहे कांत भाव प्रेम साध्य सार। तो रामानंद राय जी ने कहा कि हाँ जो कांत भाव है वो सर्व साध्य सार है, क्योंकि कृष्ण जिस प्रकार के गोपियों के वशीभूत है उस प्रकार से अन्य किसी के वशीभूत नहीं है। मैया के लिए उन्होंने वो शब्द नहीं बोले जो गोपियों के लिए बोले, और उसमें उन्होंने प्रमाण दिया, न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाध्य कृतम विविधायुषा विवाह या माँ भजन दुर्जर गिरे संकला समृष्य तद्वा प्रत्यात साधना। कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। जब कृष्ण रास लीला की उस समय कृष्ण फिर अंतर्धान हो गए, फिर पुनः रास हुआ, तब कृष्ण ने गोपियों को ये बात बोली कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, केवल मात्र तुम लोग अपने साधु स्वभाव के द्वारा ही मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो। तो इस प्रकार से प्रेम भक्ति ये जो माधुर मधुर भाव है कांत भाव, इसको उन्होंने प्रेम साध्य इसी को क्या बताया, साध्य सार बताया। इसके आगे फिर उन्होंने राधा जी की महिमा बताई, फिर और इस प्रकार से फिर रामानंद जी कह रहे हैं कृष्ण प्राप्ति रूपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आच है, किंतु जार जे रस से सर्वोत्तम तटस्थया विचार ले आछे तरतम। यहाँ पर एक विशेष और बात बताई उन्होंने कि जब इस प्रकार से जब एक रस दूसरे से श्रेष्ठ है तो फिर सभी तो मधुर रस में ही जाना चाहेंगे, फिर सही बात है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं किंतु जार जेई रस से ही उत्तम। अच्छा, जो जिस रस में है उसके लिए वही उत्तम होता है। जैसे कि अगर हनुमान जी को बताया जाए कि चलो तुम सखाओं की तरह राम जी के साथ में कुश्ती लड़ लो, जैसे कृष्ण के सखा लोग कुश्ती लड़ते तो राम हनुमान जी क्या करेंगे, हाथ जोड़ ले, नहीं नहीं मुझे तो इसी में संतुष्टि है। अर्थात जिसका जो रस है वो उसी में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। इसलिए तो फिर हम लोग फिर जो ये कैसे कह रहे हैं, यहाँ देखो कितना एक एक शब्द में विशेष बात है। फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि मधुर रस सर्वोत्तम है, तब यहाँ पर बताया किंतु तटस्थ ही विचार ले, तटस्थ होकर के जब विचार करेंगे तब ये पता चलेगा कि ये रस सर्वोत्तम है। किंतु जो सिद्ध लोग हैं उनके लिए जो जिस रस में है उसके लिए वही रस सर्वोत्तम है। इस प्रकार से श्री रामानंद राय जी ने इस संदेह का भी समाधान कर दिया। पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे है, एक दुई गण ने पंच पर्यंत बाड़े, गुणाधिक के स्वादाधिक के बाड़े प्रति रसे शांत दास सख्य वात्सल्य गुण मधुरते वैसे।
जैसा भी हमने बताई दिया कि पूर्व पूर्व जो रस हैं उनके गुण पर जो आगे वाले रस हैं उनमें सब में है, और अगले रस में क्या होता है प्रीति और मधुरता और आनंद कृष्ण के लिए वो बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसके आगे भी कुछ है क्या, तब रामानंद राय जी ने कहा इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि जहार महिमा सर्व शास्त्रे ते बखान, कि ये जो गोपियों का प्रेम है मधुर रस का प्रेम है इसमें भी राधा जी का प्रेम सर्वोत्तम है जिसकी महिमा सर्व शास्त्रों में कही गई है। तब प्रभु कहे आगे कहा सुनते पाई सुखे अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुख, बहुत आनंद आ रहा है बोलते जाओ क्योंकि तुम्हारे मुख से तो नदी अमृत की नदी प्रवाहित हो रही है और सुनते सुनते मेरा जो इच्छा है वो और भी बढ़ती ही चली जा रही है। इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं और रामानंद राय भी बोलते जा रहे हैं। जो अभी महाराज जी ने बताया कि इसको क्यों कौस्तुमणि बताया, कौस्तुमणि वत्स स्थल में जो है सबसे अधिक उसका आकर्षण है क्योंकि इस जो रामानंद राय संवाद है इसमें ही महाप्रभु ने पूर्ण रूप से राधा जी की महिमा को रामानंद राय के माध्यम से प्रकाशित कराया है। अन्य अन्य स्थानों में भी राधा जी की महिमा प्रकाशित हुई है किंतु यहाँ पर जैसे बताया पूर्ण रूप से तारतम्य विचार किया गया और कितनी पराकाष्ठा तक रामानंद राय जाते हैं कि महाप्रभु को अंत में उनका मुख भी बंद करना पड़ा, इतनी पराकाष्ठा तक रामानंद राय पहुंच गए जो कि अन्य चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा प्रसंग नहीं है कि जहां पर कि महाप्रभु को ऐसे करके मुख वर्णन करना पड़े। इसलिए ये जो पांच जो है पांच तो उनके रत्न हैं, रूप शिक्षा सनातन शिक्षा ये सब भी क्या है रत्न है, सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ रथ यात्रा और रामानंद राय, किंतु उनमें भी जो सर्वोत्तम है वो इस कारण से है क्योंकि इसमें जो राधा जी की महिमा प्रकाश हुई है वो सर्वोत्तम भाव तक प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बोला तो फिर राम फिर महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु अभी राधा जी की महिमा को और अधिक रूप में सुनना चाहते विशेष रूप में, तो फिर प्रभु कहे चुरी करी राधा के नील गोपी गणे डरे अन्य अपेक्षा है ना प्रेमेर गाड़ता ना इस पर, कि अच्छा आपने जो बताया राधा जी की महिमा है जो कि बताया अभी हमने बासंती रास अथवा पंचायती रास जो कि यहाँ पर बंसी भट्ट में हुआ था जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन है शारदी रास पंचायती रास इसको बोलते हैं जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कह रहे इसमें तो किंतु जो गोपियों के सामने राधा जी को साथ लेकर के नहीं गए चुरी करे चोरी करके ले गए ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य गोपियों की भी अपेक्षा करते हैं, इससे तो प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि अन्य की भी अपेक्षा कर रहे हैं ना अर्थात इनसे भी तो प्रेम है उतना, इसलिए राधा जी को छुप करके ले गए, अगर सामने ले करके जाते तो मैं मान लेता। तब रामानंद राय जी क्या बोल रहे हैं राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग तबे जानी राधाए कृष्णेर गाढ़ अनुराग, महाप्रभु बोले अगर राधा जी के लिए सब गोपियों के सामने ही साक्षात रूप में त्याग करते अपेक्षा नहीं करते तब मैं मान लेता कि हाँ जो राधा जी का प्रेम है वही सर्वोत्तम है, यद्यपि महाप्रभु सब जानते हैं लेकिन जगत के सामने प्रकाशित करने के लिए कितना उन्होंने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो तत्व है उसको प्रकाशित किया। राय कहे तबे सुन प्रेमेर महिमा त्रिजगते राधार प्रेमे एक नाही तो उपमा, गोपी गणेर रास नित्य मंडली छाड़िया राधा चाही बने फिरे विलाप करिया। तब सुनिए आप अगर सुनना चाहते हैं राधा जी की महिमा तो सुनिए राधा जी की महिमा ऐसी है कि जब बासंती रास हो रहा था जो कि वर्णन है श्री गीत गोविंद में उस समय समस्त गोपियां वहां पर विराजमान थी, राधा जी ने जैसे ही रास को छोड़ दिया उसी समय कृष्ण भी सबके सामने ही समस्त गोपियों को त्याग करके चले गए और विरह में व्याकुल हो गए। कंसार इरप संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय तत्याग ब्रज सुंदर, क्योंकि जो कंसारी कृष्ण है उन्होंने भी राधा जी के लिए समस्त गोपियों को त्याग करके रास मंडल को त्याग कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो राधा जी के प्रेम की इतनी महिमा है रास लीला वासना थे सम्यक वासना कृष्णेर इच्छा रास लीला, कृष्ण की जो वासना है अर्थात प्रेम की जो वासना है उनके हृदय में प्रेम को जो बताया कृष्ण भोगता है तो उनकी जो भोग करने की वासना है उस वासना को संपूर्ण रूप में कहाँ पर वो पूर्ण होती है
कह रहे हैं कृष्णेर सम्यक वासना रासलीला, रासलीला में वो वासना पूर्ण होती है, किंतु वो जो रासलीला है उसकी श्रृंखला कौन है? जैसे बताया कि एक मोतियों का हार है, बड़ा सुंदर है, उसमें हीरे मोती रत्न सब जड़े हुए हैं, किंतु धागा कौन है? अगर धागा टूट गया तो सारे मोती बिखर गए। उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि रासलीला वासनाते राधिका श्रृंखला, कि वो जो रासलीला है उसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो राधा जी हैं। और बासंती रास में ये स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो गया, क्योंकि जहाँ पर जैसे ही राधा जी ने छोड़ा रास वहीं पर श्रृंखला भंग हो गई, तो मोती की माला टूट गई, जो रासलीला रूपी जो माला थी वो टूट गई। और इसके भी आगे फिर और भी वर्णन बताया गुरुदेव ने, एक और विशेष विचार बताया कि जो बासंती रास है वो शारदी रास से तो श्रेष्ठ है, किंतु वो भी रास भंग होता है, इसलिए उससे भी और अधिक राधा जी की महिमा कहाँ प्रकाशित होती है, क्योंकि जो बासंती रास है उसमें भी नित्य सिद्धा गोपियाँ हैं किंतु विपक्षा भी है, इसलिए वो रास भी भंग हो गया, इसमें भी राधा जी की महिमा अभी और संपूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं हुई, उससे भी अधिक महिमा कहाँ प्रकाशित होती है? राधा कुंड पर। और यहाँ पर श्री रामानंद राय जी ने श्लोक बताया जो जो उसमें राधा कुंड अष्टक का जो गुरु जी बताते, राधा कुंड का अष्टक है जो कौन सा श्लोक है? जो तीसरा श्लोक है कौन सा है वो? हाँ राधा कुंड का राधा कुंडम एवाश्रय। क्या बता रहे? अग्रिपुरपि यत्नादत्र देव्या प्रसाद, वो राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? स्नान बंधई, अपने आप को बंधन में बांधते हैं, यानी नियम बांध लेते हैं। जैसे हम लोग नियम बांधते हैं, सुबह 4 बजे जगना है, फिर मंगल आरती करनी है, फिर ये नियम क्यों बांध रखा है? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से राधा जी को जब कृष्ण प्राप्त नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करते हैं? राधा कुंड में त्रिसंध्या स्नान का उन्होंने नियम बांध लिया। और क्या साधन कर रहे हैं? कृष्ण फिर वहां पर बैठ करके राधा कुंड के तट पर बैठ करके फिर जैसे हम लोग गायत्री मंत्र और अपने अनेक मंत्र जप करते हैं, ऐसे राधा जी का फिर मंत्र जप करते हैं। क्या? देव्या प्रसाद ही, राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार के जो राधा कुंड है उनकी मैं पुनः पुनः स्तुति करता हूँ। और श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भी बताया क्या? प्रेमा प्लावनाथ वैकुंठा जने तो वरा मधुपुरी, इसमें बताया क्या अंत में? प्रेमा प्लावनाथ, वहां पर प्रेम की बाढ़ आ जाती है, ऐसी बाढ़ आ जाती है कि कृष्ण भी उसमें डूब जाते हैं, इसलिए वहां पर जो राधा कुंड का रास है वो कभी भी भंग नहीं होता है। इस प्रकार से शत कोटि गोपी ते नहे काम निर्वापन तहाते ही अनुमानी श्री राधिका अरुण। 100 करोड़ गोपियां, एक दो की बात नहीं है, 100 करोड़ गोपियां, वो भी कृष्ण के काम अर्थात इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। उसी से रामानंद राय कह रहे हैं, इसी से आप अनुमान लगा लो राधा जी की क्या महिमा, ज्यादा क्या बोलना। प्रभु कहे ए लागी आई लाम तुम्हारे स्थाने से ही सब तत्व वस्तु है मोर ज्ञान। अरे इसीलिए तो मैं आया था यहाँ पर, क्योंकि सार्वभौम ने मुझे बताया था कि रामानंद राय जो क्या है साक्षात रस की मूर्ति है, इसलिए तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था। तब जाकर के फिर बहुत सारा, फिर उसमें दोनों एक दूसरे की महिमा गान की उन्होंने। फिर उसके बाद में महाप्रभु ने पूछा कुछ कृष्ण तत्व कुछ शक्ति तत्व इत्यादि बताओ, तो फिर रामानंद राय ने कृष्ण तत्व के विषय में बताया, जो कृष्ण ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वृंदावने अपराकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जान उपासन। वृंदावन में जो अपराकृत मदन है नवीन, वो कृष्ण ही क्या है सर्वोत्तम है उनकी जो। फिर उसके बाद में उनको बताया वो रसराज हैं, और इस प्रकार से उनकी कैसी उनका जो माधुर्य है, लक्ष्मी कांतादि अवतारे हरे मन लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण, कि वो लक्ष्मी इत्यादि के भी मन को हरण करने वाले हैं। हम लोग श्रवण करते कस्यानुभाव असिन देव विदमहे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्री ललना चरतपो विहाय कामन सुचिरम।
तो इस प्रकार से उन्होंने जब कृष्ण की महिमा बताई, फिर उसके बाद में राधा जी की महिमा बताई कि प्रेम प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सही महाभाव रूपा राधा ठपुरानी, कि जो प्रेम का भी सार है वो क्या होता है, महाभाव होता है, और महाभाव रूप स्वरूपा जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तत्रापि सर्वता श्रेष्ठे राधा चंद्रावली दुबे यूथयोस्त यो संत कोट संख्या मृगी दृशा। श्रील रूप गोसाई पाद जी ने उज्जवल नीलमणि बताया समस्त गोपियों का वर्णन करने के बाद में, तत्रापि उन सब में भी यानी जो कोटि कोटि गोपियां हैं उनमें भी फिर दो गोपियां श्रेष्ठ हैं, राधा चंद्रावली ये दोनों श्रेष्ठ हैं। उसके पश्चात में बता रहे हैं तयोरपि उभयोर मध्य, इन दोनों में भी, इन दोनों के मध्य में भी राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूप एवं गुणई अति वरीय सी, इन दोनों में भी जो राधा रानी है वो सर्वोत्तम है क्योंकि वो महाभाव स्वरूप है। उसके बाद में जो राधा जी का वर्णन किया है बिल्कुल ही अद्भुत है। राधा जी की जो महिमा बताते हुए मैंने बताया जैसे कि रामानंद राय किस सीमा तक पहुंच गए कि महाप्रभु को उनका मुख बंद करना पड़ा, तब बता रहे हैं वहां पर कि उनके कैसे कैसे उनके पहले तो शोभा बताई, उसके बाद में उनके अलंकार बताए, क्या क्या अलंकार है उनके, कारुण्यामृत धारा स्नान प्रथम, तारुण्यामृत धारा स्नान मध्यम, लावण्यामृत धारा तदुपरि स्नान निज लज्जा श्याम पट्ट साटी परिधान। राधा जी के जो आभूषण क्या है, उनके जो एक एक गुण बता रहे हैं, पहला स्नान करती कारुण्यामृत जो उनकी करुणा कृपा कटाक्ष है, जो हम लोग कीर्तन करते कदा कर कृपा कटाक्ष भाजनम, तारुण्यामृत फिर जो उनका तरुणी जो रूप है वो किशोरी रूप, वो दूसरा द्वितीय स्नान है, और लावण्यामृत जो कृष्ण को रसास्वादन कराती है वो उनका तीसरा स्नान है। फिर उसके बाद में एक एक निज लज्जा श्याम पट्ट साटी परिधान, ये सब उनके परिधान है, निज लज्जा श्याम पट्ट साठी कृष्ण अनुराग द्वितीय रुण वसन, जो कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है वो उनका वस्त्र है, द्वितीय वस्त्र। प्रणय मान कंचुलिकाए वच्छ आच्छादन, प्रणय मान इत्यादि के द्वारा जो वच्छ स्थल पर जो वस्त्र धारण करती है, प्रणय मान इत्यादि इनके वस्त्र है। इस प्रकार से रामानंद राय जी ने जो बताया वो अद्भुत चमत्कार हो गया। और उसके पश्चात में जब ये सारी बातें बताई, उसके बाद में बता रहे जार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जार ठाई कला विलास सीखे ब्रज राम, जिनके सौभाग्य को सत्य भामा इत्यादि देवियां चाहती हैं, जिनके सामने स्वयं कृष्ण लीला विलास सीखते हैं, नृत्य इत्यादि कला राधा जी से स्वयं सीखते हैं, जार सदगुण गणने कृष्ण ना पार पाए पाए पार, जिनके गुणों की गणना कृष्ण भी स्वयं नहीं कर पाते, तार गुण गणिवे केमने जीव छा, उनके जी उनके गुणों की गणना हमारे जैसे बद्ध जीव क्या कर सकते हैं भला, प्रभु कहे जानी लू कृष्ण राधा प्रेम तत्व सुनते चाहे दुहार विलास महत्व। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा आनंद आया, अब इनके कुछ विलास की भी महिमा बताओ, राधा कृष्ण किस प्रकार से विलास करते हैं। तब बताया रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर भय सफल कैला क्रीड़ा रंगे, कि अपनी जो किशोर वयस है उसको राधा जी के साथ में कुंज विलास लीला करके कृष्ण सफल कर रहे हैं। फिर उसके बाद में रामानंद राय जी ने प्रेम विवर्त, फिर प्रभु ने पूछा कि इससे भी कुछ आगे है, कुछ बोलो आनंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप इससे भी आगे सुनना चाहते तो सुनो एक बात और भी है, वो है प्रेम विवर्त, एतावली अपन कृत गीत एक गाइला प्रेमे प्रभु स्वस्ते तार मुख आच्छा दिला। उसके आगे फिर उन्होंने प्रेम विवर्त प्रेम वैचित्र की महिमा बताई जो कि हम लोग सुनते हैं माधनाख्य महाभाव, किस प्रकार से राधा जी का जो उसमें विरह में मिलन और मिलन में विरह होता है, किस प्रकार से तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ करके आलिंगन कर लेती हैं, श्याम को मेघ का श्याम वर्ण दे करके उससे बातें करना प्रारंभ कर देती हैं, और किस प्रकार से जब कृष्ण पास में ही होते हैं तो भी उनको विरह में मूर्छित हो जाती, तो ये प्रेम वैचित्र की जो महाभाव माधना के महादशा है उसको जब सुनाया तो फिर उन्होंने फिर महाप्रभु ने मुख आच्छादन कर दिया। ना सो रमण ना हम रमणी दुहु मन मनोभव पेशल जानी, कि आप रमण हैं और मैं रमणी हूँ, इस प्रकार का भाव ही जहाँ पर बिल्कुल महाभाव की दशा में वो भी भाव बिल्कुल हट जाता है, वो भी भाव विस्मरण हो जाता है।
और ये भी नहीं वो पता चलता कि मैं रमणी हूँ, ये रमण है, दोनों एक एक ही भाव को इस प्रकार से उनको प्रतीत होता है। इस प्रकार से वो जो है वो प्रेम वैचित्र की दशा है। और फिर उसके बाद में अब सोही विराग तुम भूली दूती सब पुरुष प्रेमक एछन रीति। अब वही तुम जो जो वही प्रेम है वो कृष्ण विरह में वही प्रेम राधा जी की दूती बन गया है और उसी प्रेम से ही फिर बात कर रही है। तो वो जो राधा जी की वो वाली जो दशा है वो ललिता विशाखा इत्यादि जो सखियां हैं उनकी जो काय भी स्वरूपा है वो उनमें भी नहीं है। और फिर यहाँ पर महाप्रभु ने फिर रामानंद राय का मुख आच्छादन कर दिया कि बस इससे आगे और नहीं कहना। तो यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि रामानंद राय ने इस रामानंद राय का मुख इस प्रकार से महाप्रभु ने क्यों आच्छादन किया। तो कहते हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है, इस चीज को महाप्रभु जगत के साधारण जीवों के लिए प्रकाशित नहीं करना चाहते। ये केवल मात्र और केवल मात्र श्रीमती राधा रानी के ही भाव है। इनको केवल मात्र गूढ़ जो लोग हैं वही इसको जान पाए, सारा संसार के लिए ये सब चीजें नहीं है। इसलिए वहां पर यहाँ पर बता भी रहे राधा कृष्ण लीला यही अति गुणतर दास वात्सल्यादि भवि ना है गोचर। ये जो राधा कृष्ण की लीला है अभी जो सख्य और वात्सल्य बताया जो कि उत्तम बताया जिनको कह इन भावों के भी अगोचर है। सभी एक सखी गणे यहाँ अधिकार सखी हईते है लीला विस्तार। सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं है सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद है। सखियों के बिना इस लीला की पुष्टि नहीं है और सखियां ही फिर इसका आस्वादन करती हैं। फिर सखियां भी दो प्रकार की बताते गुरुदेव, कौन सी? संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी जिसमें कि जो सखियां हैं जिनका कि कृष्ण के साथ में मिलन की इच्छा संभोग की इच्छा होती है वो संभोग इच्छामयी है। और तत्त भाव इच्छामयी जिनकी स्व संभोग की इच्छा नहीं है किंतु जो राधा कृष्ण को मिलाकर ही जो सुख का आस्वादन करती है वो हो गया फिर तत्त्व भाव इच्छा में, ये मंजरी भाव है। इस प्रकार से राधा कृष्ण के ये जो महिमा बताया। फिर उसके बाद में महाप्रभु ने फिर और भी बहुत सारे जो तत्व हैं उनको प्रकाशित किया कि सामान्य जगत के लिए फिर प्रश्न पूछे, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ। सर्वोत्तम विद्या क्या है? कह रहे कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम विद्या है। कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहाँ है क्या थी। कि जो सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ी कीर्ति है। श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवे रहे सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं। सबसे श्रेय सबसे परम कल्याण क्या है जो हम लोग सुनते हैं? सतांग प्रसंगान वीर समिदो भवंत हृदगण रसायना कथा तत्जोषणा दास अभुवर वर्धमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सबसे श्रेय क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि साधु संग में क्या होता है? वीरवती कथाएं होती है। उन कथाओं के श्रवण से क्या होता है? उन कथाओं के श्रवण से वो होता है जिस भाव को और प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्म तक भी अपने आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पद्म पुराण में वर्णन आया है एक साधु थे गोपाल मंत्र से उन्होंने कृष्ण की उपासना की 100 कल्प के बाद जाकर के उनको गोपी भाव प्राप्त हुआ 100 कल्प। तो हम लोग जो सोचते क्यों श्रेय सब सल गंगा जी पूछना गोपी भाव के लिए 60,000 साल तो ब्रह्म तपस्या फिर भी प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ। तो श्रेय क्यों बताया? श्रेय मध्य कौन श्रेय है? सबसे श्रेय श्रेष्ठ श्रेय सर्वोत्तम श्रेय क्या है? साधु संघ, क्योंकि वो साधु संघ में जो भाव है वो बहुत ही आसानी से और सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो कि बताया 100 कल्प क्या और भी प्राप्त होता ही नहीं है। इस प्रकार से जब बताया उन्होंने तब उसके पश्चात में जो उससे भी और आगे की अवस्था जो महाप्रभु ने प्रकाशित की रामानंद राय के माध्यम से, बताया ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। मादनाक के महाभाव तक पहुंचे रामानंद राय जी, वहां पर तो उन्होंने मुख आच्छादन कर दिया। अब अपना जो स्वरूप है उसको प्रकाशित करने की बारी आई। तब फिर महाप्रभु ने रामानंद राय जी के प्रेम के आगे महाप्रभु अपने भाव को छुपा नहीं पाए। छुपाने की तो बहुत कोशिश की, बार बार कह रहे प्रभु तुम भगवान हो, प्रभु तुम भगवान हो। और महाप्रभु क्या कहते हैं? अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, मायावादी सन्यासी, मुझे तो कुछ तत्व ज्ञान आता नहीं है, मैं तो तुमसे सीखने के लिए आया हूँ, सार्वभौम ने मुझे बोला था ऐसे करके। लेकिन राय रामानंद जी के आगे छुपा नहीं पा रहे क्योंकि जहाँ प्रेम होता है जैसे हम लोग सुनते हैं पैठा में राधा जी के आगे कृष्ण अपने स्वरूप को छुपा नहीं पाए। तो फिर रामानंद राय कह रहे हैं पहले देख लूँ तुम्हारा सन्यासी स्वरूप,
एवे तुमा देखी वही श्याम गोप रूप। पहले मैंने आपका सन्यासी रूप देखा था, अब मैं आपको श्याम गोप रूप में देख रहा हूँ और एक बड़ी विचित्र चीज देख रहा हूँ। तुम्हार सम्मुख देखे कांचन पच्चालिका तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंगद। कि आपके सम्मुख में एक कांचन तप्त कांचन जो है एक स्त्री जो वो भी देख रहा हूँ मैं, और ये भी देख रहा हूँ कि वो जो है कांचन पंचालिका है जो उन्होंने आपके सारे स्वरूप को अपने गौर कांति के द्वारा ढक रखा है। तो ये सब क्या हो रहा है? रामानंद राय जी पूछ रहे ये सब क्या हो रहा है? तहाते प्रकट देखी सब वंशी बदन नाना भावे चंचल ताए कमल नयन। और देख रहा हूँ कभी कि वंशी बदन आपको देख रहा हूँ और आपके चंचल कमल नयन इस प्रकार से। तब कहे ए मत तुमा देखी है चमत्कार अकपटे कह प्रभु कारण ये। प्रभु इस प्रकार से मैं जो आपको दे रहा हूँ चमत्कार हो रहा है, क्योंकि रामानंद राय जी ने भी कृष्ण को देखा है, राधा जी को भी देखा है, उनका रासविलास भी सब देखा है, किंतु इस प्रकार की चीज तो नहीं देखी कि एक कांचन पंचालिका उसने सारे कृष्ण के अंग को ढक दिया इस प्रकार से। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे मन में बड़ा चमत्कार हो रहा है प्रभु, देखो अकपटे कह प्रभु अब मुझसे कपट मत करो क्योंकि आपकी चोरी अब पकड़ी गई है। तब भी प्रभु छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अंत तक भी प्रभु ने हार नहीं मानी है, लेकिन भक्त भी हार नहीं मान रहे, दोनों में होड़ा होड़ी चल रही है। राधा कृष्ण तुम्हार महाप्रेम है, तब फिर तत्व तो सिद्धांत बोल रहे हैं महाप्रभु। राधा कृष्ण तुम्हार महाप्रेम है जहां तहां राधा कृष्ण तुम्हार स्प्रेम। कि देखो रामानंद राय जी इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपका तो राधा कृष्ण के प्रति महाप्रेम है। जो महाप्रेम की अवस्था में क्या होता है, जहां तहां जहां जहां वो देखते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रहलाद महाराज के वचन में श्रवण किया स्तंभ देखा तो उनको भगवान दिखाई दिए, उसी प्रकार से आपकी वैसी अवस्था है। तो जहां जहां भी आपके दर्शन होते हैं आप देखते हैं वहां पर राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाई पड़ता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव मूर्ति। ये महाभागवत के लक्षण है। राय कहे प्रभु तुम्हें छाड़ भारी भूरी मोर आगे निज रूप ना करी चूरी। तब रामानंद राय का प्रभु इधर उधर की बातें छोड़ो बहुत हो गया मोर आगे निज रूप ना कर चोरी, अब तो चोरी पकड़ी गई है, अब तो दिखा दो कम से कम दिखा दिया। राधिकार अंग कांति रामानंद राय समझ गए ये जो कांचन पंचालिका है ये श्री राधा जी हैं, और ये जो बंसी बदन दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, कृष्ण है, और वो ढक करके रखा हुआ है। इसलिए रामानंद राय खुद ही कह रहे हैं राधिकार भाव कांति कर अंगीकार निज रस आस्वादिते करिया छवता। राधा जी के भाव और अंग कांति को अंगीकार करके निज रस अर्थात अपने ही रस का आस्वादन कर, निज रस को ने राधा जी का जो महाभाव है उन रस का राधा जी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए क्या क्या आपने करिया छ अवतार, ये अवतार धारण किया है। निज गुण कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन अनुसंगे प्रेममय कैला त्रिभुवन। आपका जो निज गुण कार्य वो क्या है, ये जो प्रेम आस्वादन राधा जी के भावों का आस्वादन करना, और अनुसंगे उसके अनुसंगिक फल के रूप में आपने क्या किया सारे त्रिभुवन में प्रेम को वितरण कर दिया है। तबे हंसी तारे प्रभु, अब प्रभु ने हार मान ली, भक्त के आगे तो माननी पड़ती है, तो इसलिए प्रभु हार गए। तबे हंसी प्रभु तारे दिखाई ला स्वरूप रस राज महाभाव दुई एक। तभी प्रभु हंसने लगे, कहते अच्छा जब चोरी पकड़ी गई तो फिर अब क्या छुपाना चलो अब दिखाई देता हूँ। तो तभी फिर प्रभु ने अपना निज रूप प्रकाशित किया और रस राज कौन कृष्ण और महाभाव श्रीमती राधा रानी दोनों का दो दो स्वरूप दिखाया, और फिर उसके बाद में दुई एक रूप वो दोनों मिलकर के फिर एक होकर के महाप्रभु के रूप में प्रकाशित हो गए। इस प्रकार से उन्होंने श्री रामानंद राय जी को दर्शन कराया। देख ही रामानंद हिला आनंदिते मूर्छिते धरिते न पारिते पड़िला भूमिते। ये देख करके रामानंद राय जी आनंद में मूर्छित हो गए और शरीर धारण नहीं कर पाए, भूमि पर गिर पड़े। तो यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि रामानंद राय जी मूर्छित क्यों हो गए, वो तो स्वयं विशाखा सखी हैं, राधा जी की सखी हैं, क्या राधा जी को तो उन्होंने सब समय देखते रहते हैं तो उनको देख करके मूर्छित नहीं हुए, कृष्ण को भी सब समय देखते हैं कृष्ण को देखकर भी मूर्छित नहीं हुए, किंतु ये जो दिखाया कि कृष्ण को किस प्रकार से राधा जी ने अपने अंग कांति के द्वारा ढक लिया है और कैसे दोनों मिलकर के कृष्ण ही और राधा जी मिलकर के एक हो गए महाप्रभु के रूप में, कहते ये भाव नहीं देखा था, इसलिए प्रेम में आनंद में मूर्छित हो गए रामानंद।
सन्यासी फिर जब प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराई ला चेतन सन्यासी वेश देखी विस्मित थी लवन, तब प्रभु ने हस्त स्पर्श कराया तो रामानंद राय जी को बाय स्फूर्ति हुई। जब बाय स्फूर्ति हुई तो फिर से देख रहे सन्यासी का रूप, फिर उसे विस्मित मन हो गया कि अभी क्या देख रहा था, अभी तो देख रहा था कि जो रसराज महाभाव दोनों एक रूप हो गए, फिर सन्यासी रूप देख रहा हूँ। तब प्रभु फिर हंसने लगे और कह रहे आलिंगन करी प्रभु कैलाश्वासन तोमा बिना ए रूप ना देखे। और फिर प्रभु ने आलिंगन किया, आलिंगन करने के पश्चात में फिर उनको आश्वासन किया कि देखो रामानंद तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा, इसलिए अब ये जो रूप है वो किसी के भी सामने वर्णन नहीं करना। इस प्रकार से श्री रामानंद राय संवाद हुआ। हाँ बोल रामानंद राय का देवदास जी कृपा sleeping like this, you know. So I was like an animal throwing the party. But after many, many years, and nowadays, I realized what was going on that I couldn't understand at that time, that is taking place now, that every word, every letter, every word that Sri Gurudev spoke now, it becomes a reality. And so Gurudev spoke very, very length and very wide harikatha for all types of devotees. But he also spoke very nicely and very deeply about those tattva siddhantas related to Gauravananda Sambhad. And actually, Gauravananda Sambhad is the first topic that Gurudev spoke when he went to the West for the first time. So I still remember something from that time because I was very subjugated. And I actually, recorded everything, and then I write down every aspect of whatever I had recorded. I still have it. So there's a lot of things that Gurudev said that
that were never told after. Even when the book came out, some of the things that he said at that time was not published in that book. So I have like a very secret things. So is that in French or in English? It's in English, in French, in Hindi, in every language. Mm-hmm. So what I remember is that actually when I arrived this today, I heard Prabhuji speaking about the different levels of Shanta Dasa Sakyavasaya like this. And I was thinking, oh, this explanation is very, very nice, very deep. And Gurudev spoke also of those, these things in different ways, different times. Mm-hmm. And he compared all these things together. Like he said, Shantaras is on the level of Rati. When you achieve Bhava Bhakti, then Rati manifests. And that is Shantaras. So Shantaras, Rati is same. And the mood of Shantaras is tranquility. And the people who are on that level, the devotees are on the level, are feeling elation, happiness. And as Prabhuji was describing, there is nishtha for Krishna, that is they don't want to hear anything else than topics about Krishna. They would not allow anything to enter their ears which are not related to Krishna consciousness. And they have nishtha and they are complete in detachment from this material existence. This is the principles of Shantaras. When the love becomes more intense, then we come to the platform of prema. That prema is manifest in Dasharas. And we have given an example in Dasharas of Subhadra. Subhadra Devi, she is the sister of Krishna, but her relationship with Krishna is in Dasharas. That is, she is taking complete shelter of Krishna's. So, one example is given that one time in Kurukshetra, the war of Kurukshetra, is her son, Abhimanyu, he found out how to enter into one Akshoini to kill the enemies. So he could enter, but he didn't know the secret how to come out. So he got caught, trapped in that middle of that Akshoini. And Jayadrata and Karna, they kill him. And Krishna saw everything. He knew Abhimanyu, he is his nephew. He is the son of Subhadra. But he didn't do anything to save him. And Subhadra, she knew that Krishna could have actually saved Abhimanyu. But he didn't do anything. How? Why? Who knows? But the result is that prema is glorified, because in prema, the love for Krishna cannot be diminished. So Subhadra, even knowing that Krishna could have saved Abhimanyu, she actually never felt anything be lower than what the love she has for Krishna. My English though? Her love for Krishna was not even diminished, even one speck of dust. This is the power of love, prema. So this is in Dasharas. Then there is Sakyaras. Sakyaras is pranaya is very prominent in Sakyaras. Pranaya, Prabhuji explained, there is no feelings of awe and reverence. There is no embarrassment. They are with Krishna like they are with themselves. They see Krishna as non-different. Krishna is me and me, I am Krishna. And Krishna thinks also the same thing, that they are me. Whatever belongs to Krishna belongs to them. Whatever he has belongs to them. They don't make any differences. And between their dealings there is no embarrassment. You can imagine this being alone in your house and doing all kinds of things without any embarrassment because nobody else is there. So you apply the same principles in this relationship with Krishna. Then you will realize how amazing this is.
Satyaras principle of relationship with Krishna. So there is an example of this. One time, Krishna was, after killing a demon, there was some dust covering Krishna, you know, at least a little bit of dust. Eh? Because killing a demon is not a small thing, you know, you have to remove a little bit of the earth. Big demons coming to Vrindavan like this. So, when Krishna killed those demons, Brahma, Indra, and Shiva came, and they glorify Krishna like anything. You are supreme, you are so powerful, you are all power is with you, you know, like that. You are the supreme, supreme personality of God. Nobody has any type of qualities like you. They are glorifying him. At that time, his friend Arjun Saka, came. And he puts his hand or arms around Krishna's shoulder. And he saw that the peacock feather was covered by with dust. So he went like this, boom, to take the dust out of the peacock feather. In front of Brahma, there are many heads, Shiva, everybody. Who cares? Who are they? They're these strange people, they have many heads. There must be something very strange about that. So he had no embarrassment, you know? He could do with Krishna like he would do with himself, in private. So this is the mood of Dasya. Sakya, sorry. So Sakya is Pranaya in this case. Then when Pranaya becomes a little bit twisted, then it becomes man. This is the gopis, they have the same Pranaya that the gopas have. But it is very, very twisted, huh? Very strange. They think that Krishna loves me so much that no matter what I will do, he will always come and take care of me. He will always, always take care of me. He cannot leave me. He has so much love and affection for me. So I can do man. As much as I like, I can do man, and Krishna will come, and he will feel that I am an offender. I have to remove this offender that I committed to the lotus feet of that Sakhi. This is my duty, otherwise I am lost. They think like this. Can you imagine? Goloka Vrindavan. So the sadhana is a little more like intense, you know, like you have to really get absorbed your mind fully into this process. And meditate and doesn't go away from that, you know. And then finally you will get some realization deeply into the deepest core of your heart. What is the freedom in Goloka Vrindavan which is not there in Vaikuntha? Yashoda Maya, she catch Krishna's heels and with a stick she threatened him, I will beat you up. And Krishna is shaking, no, please, please, don't spare me this time, I will not go offend you again. This is a freedom. You can do whatever your heart is dictating you to do with Krishna, then you can freely express this. So much freedom is there, so difficult to go there, you know. You have to be really like even Bhakti Rakshakshidama used to say, you know, Uddhava, when he went there, after some time, 6 months, he went back, came back to Dwarka, and he thought, I just want to become a shrub, like a piece of plant, herb, in this Goloka Vrindavan forest. Mm. Because then the gopis will walk on my head and they will live there. Dust on my head, and my life will be completely successful. So Bhakti Rakshakshidama said, we want to go there also and walk in Vrindavan forest. Where? On the head of Uddhava. How possible? Can you walk on the head of Uddhava, Maharaj? Difficult. I don't know if it's possible, because Uddhava is the highest devotee. Krishna told him, you are more dear to me than my Lakshmi and my Sankarshan, Balaram. Not Baladev, but Sankarshan. Actually, you are more dear to me than even myself.
So Krishna did not told us this same thing, that we can go there and do everything we want. So Bhakti Rasa Kshita Maharaj concluded that to go there, we have to become very, very, very humble. Then we can maybe one day, through that line of humility, which is very thin, enter into Gaurapur Vrindavan. So, Gaurapur Vrindavan ki jai. Shrila Maharaj ki jai. I don't know, wait, you can see something. I can hear from you, but... I will just have a break. 5 minutes you have. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वतः मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु विष्णु पाद शुक्र छत्र श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साक्षात दलवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु विष्णु पाद शुक्र छत्र श्री 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 माधुशक्ति विदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज श्री राय रामानंद प्रभु का तिरुभाव महामहोत्सव है। अभी तक हम लोग श्री कृष्णदास प्रभु जी से महाराज जी से श्री राय रामानंद की बड़ी अच्छी अच्छी विचार सिद्धांत तत्व दर्शन को हम लोगों ने श्रवण किया है। कहते उनकी महिमा है। फिर एक समय कोई एक प्रद्युम्न मिश्र जब महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में रहते थे वो महाप्रभु के पास में गए हरि कथा सुनने के लिए। महाप्रभु ने कहा देखो अगर तुम हरि कथा सुनना चाहते हो मैं जितना हरि कथा जानता हूँ मेरे से ज्यादा कौन जानता है श्री राय रामानंद। तुम राय रामानंद के पास में जाकर के कथा सुनो। राय रामानंद कहाँ रहते थे जगन्नाथपुरी में जहाँ श्री जगन्नाथ बल्लभ वाटिका उसी वाटिका में राय रामानंद रहा करते थे। जब उन्होंने हरि कथा सुनने के लिए गए हैं यहाँ पर अभी प्रश्न होता है महाप्रभु कहते मैं जितने हरि कथा जानता हूँ मेरे से ज्यादा जो कथा जानता है श्री राय रामानंद। कारण क्या है? कारण है महाप्रभु स्वयं विषय विग्रह और राय रामानंद ये आश्रय विग्रह। इसलिए आश्रय विग्रह होने का नाते कहते मिश्री में अभी क्या मीठा है मिश्री में अभी जो खाएगा उसको तो पता चलेगा। मिश्री को थोड़ी पता है मिश्री में कितने स्वाद कितने मिठास है। इसलिए भले राय रामानंद प्रभु के पास में तुम जाओ जितने जब श्री राय रामानंद पास में गए कथा सुनने के लिए उसी समय श्री राय रामानंद कहते वहाँ पर देवदासियों को कहती देवदासी किसको कहते हैं कहते जो लड़कियाँ अकुमार ब्रह्मचारिणी रहती हैं और जगन्नाथ जी को कृष्ण को ही अपना ये पति मानती हैं पति मान करके सारा जीवन अकुमार ब्रह्मचारिणी रह करके जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर जय जय देव हरे ये भजन को गाते हैं। इसलिए मैं तो एक देवदासी को हमने देखा है जब जगन्नाथ जी की शयन और कथा भी वो प्रथा खत्म हो गया क्योंकि वो देवदासी रूप में रहना इतना आसानी बात नहीं है।
क्योंकि सारा जीवन ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा लड़कियों को, और जगन्नाथ कृष्ण को ही अपना पति मानती है, और इतने आसानी बात नहीं ब्रह्मचारी बनकर रहना। केवल हमने लास्ट में एक देवदासी को देखा, जब जगन्नाथ जी शयन करते हैं उसी समय में वो भजन गाती है, हैं कौन सा भजन है, कहते जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, श्री कमला तुच मंडल हे तुत कुंडल हे कलित ललित वनमाल जय। ये जो भजन को गाती है इसी भजन को सुनते सुनते जगन्नाथ जी शयन, इसी भजन को सुनते और इसी भजन को सुन करके जगन्नाथ जी उठते हैं। कोई देवदासी है, देवदासी के मुंह से ही जगन्नाथ जी ये भजन सुनते हैं, इसलिए कहते देवदासियों पर आए रामानंद क्या करते थे, कहते उनको स्नान करना, श्रृंगार करना और उनको नृत्य सिखाना, और ये लोग जगन्नाथ जी के सामने जाकर के बड़े सुंदर नृत्य करते थे, जिसको जगन्नाथ जी सुन करके देख करके प्रसन्न होते थे। अभी वो ब्राह्मण गए जा करके, बोले राय रामानंद से मैं मिलने के लिए आया हूँ। बोले राय रामानंद क्या कर रहे हैं, बोले राय रामानंद अभी लड़कियों को, एकदम जवानी लड़कियों को, 15-16-20 साल लड़कियों को, उनको श्रृंगार कराते हैं, उनको स्नान कराते हैं और उनको नृत्य सिखा रहे हैं। साधु कहते साधु होकर के हैं, ये साधु होकर के राय रामानंद ये सब काम करते हैं, हैं ये सब काम थोड़ी साधुओं का काम है। अभी इसको सुनते ही इनकी मन में राय रामानंद का प्रति जो भावना थी ना, हैं ये भावना तो नष्ट हो गया, हैं ये कैसे साधु है, हैं क्योंकि जो साधु और माया से दूर रहते हैं साधु लोग, लेकिन ये साक्षात रूप में स्नान कराना और उनको श्रृंगार कराना, उनको शरीर में तेल लगाना, ये कोई साधुओं का काम है। अभी उनकी भावना तो खराब हो गया। फिर उन्होंने फिर आए श्री महाप्रभु के पास में आकर के बोले प्रभु आप ही कथा सुना दो, कहते आप ही हमें कथा सुना दो। इतने में महाप्रभु समझ गए इनकी जो राय रामानंद का प्रति इनकी जो भावना है वो खराब भावना है, इसलिए फिर महाप्रभु स्वयं मुंह में श्री राय रामानंद की महिमा को महाप्रभु स्वयं कहती, राय रामानंद कैसे है, बोला आमी तो सन्यासी अपना रे विरक्ति करी मानी, दर्शने रहु दूरे प्रकृति नाम जदि सुनी। महाप्रभु कहते मैं सन्यासी हूँ, हैं अपना को मैं विरक्ति सन्यासी में मानता हूँ, क्या दर्शन का बात तो दूर है, जब मैंने प्रकृति का केवल स्त्री का नाम केवल सुनता हूँ तब ही विकार पाए मोर तनु मन, तभी मेरे मन में विकार प्राप्त तो हो जाता है, केवल उनकी नाम तो को सुनते ही प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जान। इसलिए कहते हैं प्रकृति के दर्शन में जगत में इसे कौन सा व्यक्ति जो प्रकृति का दर्शन से अपना मन को स्थिर कर सकता है, इसलिए बताए मात्रा शस्त्रा द्विताभा ना विविधता सन्न बसे बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान सभी कर सकते। इसलिए कहते हैं अपना माँ को पास में भी एक आसन पर अपना माँ को पास में भी नहीं बैठनी चाहिए, अपना बहनी को साथ में भी नहीं बैठनी चाहिए, कभी यहाँ तक भी कहते हैं अपना बेटी को हैं, कहते अपना बेटी को पास में भी एक आसन पर बैठा करो, क्यों, कहते बलवान इंद्रिय ग्राम, कि जो इंद्रिय है ना ये बड़ा बलवान है, कहते विद्वान सब भी कर सकते, बड़े बड़े विद्वान को, ये बड़े बड़े विद्वान को बुद्धि भी ये माया भ्रमित कर देती है, इतने माया में शक्ति है, इतने शक्ति माया में है। हमारे मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी लोग थे, वो क्या करते कैसे कैसे माया में फंस गए परेशानियाँ, फिर सारे ब्रह्मचारी कोई तो एक लड़की के साथ माला बनाया करती, बस माला बनाते रहते, इसको पूरा माला बना दिया। एक ब्रह्मचारी था जिसको साथ में, एक ब्रह्मचारी था जिसको साथ में सब्जियां अम्मिया करती थी, उसको साथ में बैठ बैठ करके सब्जियां करते, इसको सब्जी बना दिया, इसलिए इसलिए इनको ही, इनको ही उन्होंने बना दिया, सब्जी बना कर खा ली, इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए जो जो
ब्रह्मचारियों को ना ये सब चीजों से कोई बहाना बना करके नहीं, ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पहले पहले तो पता पड़ेगा नहीं है, लेकिन करते करते सुई बनकर घुसेगी और जो लाश में फाल बनकर निकले, जो फाल बनकर निकलेगा बोले हाय रे क्या हो गया, हाय रे क्या हो गया है। इसलिए ये की बात स्वयं श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं कहते हैं रामानंद राय कथा सुन सर्वजन कई बार नहीं जहा आश्चर्य कथन। एक देवदासी आर सुंदरी तरुणी ताहर देर सब सेवा करे ना अपनी। एक तो देवदासी फिर सुंदरी है एकदम तरुणी 15-16 साल की 20 साल की, कहते ये क्या कहते हैं राय रामानंद, कहते ताहर देर सब सेवा करे ना अपनी। राय रामानंद सब उनकी सेवा करते थे, कहते ताहर देर सब सेवा करे बोले स्नान आदि उनको स्नान कराया करते थे। कहते पराए बास विभूषण उनको शरीर में कपड़ा पहनना और उनको अलंकार से विभूषण करते थे। बोले गुज्य अंग जतकार दर्शन स्पर्शन, कहते गुह अंग को दर्शन स्पर्शन करते थे तब वो निर्विकार राय रामानंद मान, तभी उसका मन में कोई निर्विकार नहीं है, कोई विकार नहीं। श्री नाना भावोद्गत कार्य कराए शिक्षण निर्विकार देह मन का पाषाण सम, कहते यहाँ तो छोड़ दो लकड़ी का भी कोई प्रकृति हो वो भी बड़े बड़े विद्वान का बुद्धियों को ये भ्रमित कर देता है। कहते आश्चर्य तरुणी स्पर्श निर्विकार मन, लेकिन राय रामानंद की जो जीवन वा इनकी कहते ये इनके शरीर में कोई विकार नहीं। एक राय रामानंद रहा एक अधिकार ताते जानी अप्राकृत देहता, कहते ऐसे अवस्था किसकी हो सकती है, कहते केवल राय रामानंद का हो सकती है और किसी को हो ही नहीं सकता है। ताहे जाने अप्राकृत देह तार, इससे क्या पता चलता है, कहते उनका जो शरीर है वो कौन है, अर्जुना सखी है, है? एक तो अर्जुना सखी और अर्जुन सखा भी है और उनके शरीर में प्रिय नर्म अर्जुन सखा भी है, जला दिया इसलिए कहते इसके अंदर में विशाखा भी है, ललिता भी है, हैं राय रामानंद, ये सबके सब मिल करके श्री ये राय रामानंद सबके सब मिल करके कहते गृहस्थ हैया नहीं राय सड़बर गर बसे विषय हैया संन्यास रे उपदेश। कहते राय रामानंद कैसे, कहते जो सड़ इंद्रियों को जो संपूर्ण रूप में जो वशीभूत किया और ये क्या करते थे संन्यास को उपदेश करते थे संन्यासियों को, इसलिए ये सब गुण तार श्रवण करते मिश्रे रे पाठा इलाता श्रवण करते। इसलिए जिस समय यहाँ पर महाप्रभु को पास में जब आए प्रभु आप भी कथा सुना दो, लेकिन महाप्रभु ने क्या बोले नहीं, अगर तू कथा सुनना चाहते हो कहाँ जाओ, राय रामानंद के पास में जाओ, वहीं पर जाओ कथा सुनो। फिर आए, जब फिर आए महाप्रभु आदे से सचमुच से जब उन्होंने उनसे कथा सुनी जो राय रामानंद कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे थे ना, उन्होंने राय रामानंद संवाद में जो महाप्रभु बोले थे जब उन्होंने कथा सुनाए, कहीं इतना ही कथा नहीं जैसे ये अमृत की धार जैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे कथा सुनाए पूरा कृष्ण कथा रस में पूरा के पूरा उनको भुला दे। वो कथा सुन करके हे भगवान इतने रसीन और इतने सिद्धांत इतने तत्वदर्शनी के अंदर में और इनके प्रति मेरी भावना ऐसे हो गया था, अगर मैंने कथा नहीं सुनता तो पता नहीं इनका प्रति क्या दुर्भाव बना हो जाता था, पर चरण में गिर पड़े माफी मांगे हैं, मैं तो आपकी व्यवहार को देख करके आपका प्रति मेरी घृणा हो गई थी। इसलिए कहते ये महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे महाप्रभु के भाव के अनुरूप उन्होंने चंडीदास विद्यापति इनका पद्यावली को सुना सुना करके महाप्रभु भाव को बढ़ाया करते थे, है इसलिए महाप्रभु का जो अंतरंग सेवा में है अंतरंग सेवा में रह करके महाप्रभु को जो भाव बढ़ाया करते थे श्री राय रामानंद की बहुत अच्छी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई, इसलिए और गर्व सुना बोले श्री राय रामानंद प्रभु की जय गौर ब्रह्मानंद अच्छा कृपा से तुम्हारे बचाओ पतितानंद पा